गुड मॉर्निंग ऑल पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग फन एंड एक्साइटिंग, योर समर वेकेशन होलीडे होमवर्क। यस, बट डोंट वरी, दिस होमवर्क इज़ फुल ऑफ फन एक्टिविटीज दैट यू कैन इंजॉय डूइंग ड्यूरिंग योर समर ब्रेक। इट्स नॉट लाइक रेगुलर होमवर्क विथ लॉट्स ऑफ राइटिंग, दिस इज स्पेशल। नोट, मेक ए पार्टिकुलर नोटबुक हिंदी फॉर होलीडे वर्क। सेकेंड, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। फर्स्ट लेसन 1, 2, 3 रीड एंड राइट 5 पेज। सेकेंड, राइट एंड लर्न द माई सेल्फ 2 times। थर्ड, राइट एंड लर्न द वर्ड मीनिंग मेल्ट, वॉकिंग, शेफर्ड, नाइस, ब्लॉन्ग, ट्राइड, मोमेंट, क्लॉक, नून, सनसेट। 4. Write and learn the question and answer. Question 1. What did the shepherd find one day? Question 2. Why did they go up the hill? Question 3. How did the shepherd test the man? Question 4. Whom did the poet meet? Question 5. Why did the shepherd go to the market? 5th. Fill in the blanks. First, I know that it is not dash at all. Second, he saw many dash there for sale. Third, the thief knew that he is dash to be caught soon. Fourth, I met dash. Fifth, we got dash. Sixth, translate into Hindi. First, he is my brother. Second, my father is a teacher. Third, I am a student. Fourth, you are a good boy. 5th, Raj is my brother. Next, your subject, English grammar. First, write A to Z in cursive writing 5 times capital letter. Second, write A to Z in cursive writing 5 times small letter. Third, write and learn the vowels name 5 times. 4. Write and learn the consonants name 2 times. 5th, arrange these letters in the alphabetical order. 6. Write these words in the alphabetical order: candle, star, bag, table; green, floor, kettle, tap. 7. Circle the vowels in the words given below: band, kite, rose, four. 8. Circle the consonants in the words given below: box, grass, name, paper. Next, activity में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर 1 to 12 सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स मेक ऑन A4 शीट। रोल नंबर 1 से 12 तक आपको A4 शीट पर प्लूरल वर्ड्स बनाने हैं, और ये कैसे बनाने हैं इसके लिए आपको यूट्यूब लिंक मेंशन की गई है, इसको देखकर 1 to 12 आपको प्लूरल सिंगल वर्ड्स बनाने हैं। सेकेंड, रोल नंबर 13 to 24 एक्शन वर्ब एक्टिविटी मेक ऑन A3 शीट। रोल नंबर 13 to 24 आपको एक्शन वर्ब बनाने हैं, इसकी यूट्यूब लिंक आपको नीचे मेंशन की गई है। थर्ड, नेक्स्ट रोल नंबर 25 to 37 कैपिटल लेटर क्राफ्ट मेक ऑन A3 शीट। रोल नंबर 25 to 37 आपको कैपिटल लेटर मेक करने हैं A3 शीट पर, इसकी यूट्यूब लिंक आपको नीचे मेंशन की गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट योर हिंदी। फर्स्ट, आ से या तक लिखो और याद करो 2 पेज। सेकेंड, पार्ट 1, 2 पढ़ो, सुलेख लिखो 5 पेज। थर्ड, शब्दार्थ याद करो और लिखो। शब्दार्थ निहारे, शीतल, अमृत, बहस, जोर, किरणें, ताकत, बलवान, उजियारा, नन्ना। 4. मेरा परिचय 10 लाइन लिखो और याद करो 5 पेज। 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और याद कीजिए। पहला, क्या तारे से अंधकार मिट जाता है? दूसरा, तेज हवा चलने पर आदमी के साथ क्या हुआ? तीसरा, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? चौथा, चांद की चांदनी से हमें क्या लाभ है? पांचवा, चांद और तारों में क्या अंतर है? छठा, हवा और सूरज में क्या बहस छिड़ गई? 6. रिक्त स्थान कीजिए और याद करो।
पहला सूरज हवा की बात डैश गया, दूसरा हवा ने सूरज को डैश किया, तीसरा सबकी आंखें डैश करता, चौथा आसमान में लाखों डैश, फिफ्थ हवा की नजर एक डैश पर पड़ी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। फर्स्ट दिनों के नाम लिखो और याद करो। सेकंड महीनों के नाम लिखो और याद करो। तीसरा मात्राओं की पहचान लिखो और याद करो। चौथा पार्ट 1-2 पढ़ो समझो सुलेख करो 5 पेज। फोर पार्ट 1-2 पढ़ो समझो और सुलेख करो 5 पेज। फिफ्थ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और याद कीजिए। पहला आप घर में जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड वर्णमाला से आप क्या समझते हैं। थर्ड वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सिक्स खाली स्थान भरो और याद करो। पहला भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। दूसरा स्वर संख्या में डैश है। तीसरा व्यंजन संख्या में डैश है। चौथा अड़ा और ढा कभी शब्द डैश में नहीं आते। पांचवा छा त्र ज्ञ और श्र डैश कहलाते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर 1-17 A4 साइज शीट पर स्वर और व्यंजन लिखना है, रंग भरना है और ये आपको हिंदी व्याकरण बुक पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा। रोल नंबर 18-17 हिंदी एक्टिविटी न्यू वर्ड्स में के A3 साइज शीट, आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं A3 साइज शीट पर। रोल नंबर 18-17। नेक्स्ट सब्जेक्ट योर मैथ। फर्स्ट राइट एंड लर्न द टेबल 2-15 टू टाइम्स। सेकेंड राइट एंड लर्न द काउंटिंग 1-200 टू टाइम्स। थर्ड राइट एंड लर्न द बैक काउंटिंग 100-1 टू टाइम्स। फोर राइट एंड लर्न द नंबर्स नेम 1-20 टू टाइम्स। फिफ्थ सॉल्व द एड सम्स। सिक्स सॉल्व द सब्ट्रैक्ट सम्स यानी कि आपको इसमें माइनस करना है। सेवन सॉल्व द मल्टीप्लाई सम्स इसमें आपको सभी सम्स को मल्टीप्लाई करना है। एट सॉल्व द डिवाइड सम्स इसमें सभी डिवाइड करना है सभी सम्स को। नाइन राइट द नंबर्स नेम्स। फिल द ब्लैक्स इसमें आपको फिल द ब्लैक्स करने हैं और प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है। 11 राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच नंबर आपको इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। 12 राइट द क्रॉस पेंडिंग फॉर्म्स आपको। 13 कंपेयर द नंबर्स एंड राइट साइन इन द इसमें आपको बिग स्मॉल इक्वल साइन मेंशन करने हैं। 14 अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को लगाना है। नंबर 15 अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करने हैं। नेक्स्ट योर एक्टिविटी। एक्टिविटी में बेटा ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर 1-12 मेक ए फ्लावर टेबल 3-8-9-12 आपको एक फ्लावर बनाना है कटिंग पेस्ट करके 3-8-9-12 का और इसकी यूट्यूब लिंक आपको नीचे मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा बेटा कि 1-12। नेक्स्ट रोल नंबर 13-24 मेक शेप्स विथ मैच स्टिक आपको मैच स्टिक की हेल्प लेकर शेप्स बनाने हैं इसकी यूट्यूब लिंक आपको नीचे मेंशन की गई है। रोल नंबर 13-24। नेक्स्ट रोल नंबर 25-37 मैथ शीट फ्रंट पेज डिज़ाइन आपको मैथ शीट का फ्रंट पेज डिज़ाइन करके बनाना है और इसकी YouTube लिंक भी आपको नीचे मेंशन की गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट योर EVS। फर्स्ट राइट एंड लर्न द पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम 20। सेकेंड राइट एंड लर्न द बुक मैटर ऑफ चैप्टर 1 और 2। थर्ड राइट एंड लर्न द वन वर्ड आंसर। फर्स्ट व्हाट हेल्प अस टू मूव। सेकेंड डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। थर्ड ब्रदर ऑफ मदर। फोर Who controls the function of all the organs? Fifth, which organ grinds the food? Four,
Write and learn the answer yes or no. First, exercise keeps the body dull. Second, we have brain to eat. Third, stomach and intestine digest the food. Fourth, our body continues to work day and night. Fifth, read and writing the chapter 1 to 2 page. Sixth, read and write the 20 difficult words. Next activity, again beta aap dhyan dijiyega, roll number 1 to 17, make a weather clock making paper in project work. Aapko project work karna hai paper ke saath aur iski video bhi aapko niche mention ki gayi hai. Next, roll number 18 to 37, paste the organs in A4 size sheet. आपको ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ऑर्गन्स की शीट्स मिल जाएंगी, वो आपको कटिंग पेस्ट करके A4 साइज शीट पर चिपकाना है. ध्यान रखिएगा रोल नंबर 18 to 37. नेक्स्ट सब्जेक्ट योर GK. फर्स्ट, प्रैक्टिस एंड लर्न द लेसन 1 और 2. सेकंड, राइट एंड लर्न द माई सेल्फ 10 लाइन्स 2 पेज. थर्ड, राइट एंड लर्न द 10 फ्रूट्स नेम. फोर, राइट एंड लर्न द 10 वेजिटेबल्स नेम. फिफ्थ, write and learn the month's name and day's name. 6. Write and learn the 10 birds' name. 7. Write and learn the 10 animals' name. 8. Write and learn the 10 relation name. 9. Write and learn the 10 flowers' name. Next activity, roll number 1 to 17. Paste the picture places of worship in A4 साइज शीट. आपको वर्शिप यानी कि पूजा के स्थानों की जगह आप बाहर से लेकर आओगे, वो कटिंग पेस्ट करके A4 शीट पर चिपकाओगे. रोल नंबर 18 to 37, प्रोजेक्ट वर्क गुड मैनर क्राफ्ट आइडिया इन पेस्ट A4 साइज शीट. रोल नंबर 18 to 37, आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, गुड मैनर्स को आपको A4 साइज शीट पर पेस्ट करना है. इसकी वीडियो लिंक आपको नीचे मेंशन की गई है. नेक्स्ट सब्जेक्ट योर ड्राइंग. फर्स्ट, राइट एंड लर्न द 15 कलर्स नेम. सेकंड, ड्रा द आइसक्रीम एंड फिल इन द कलर. थर्ड, ड्रा द अम्ब्रेला एंड फिल इन द कलर. फोर, ड्रा द कोल्ड ड्रिंक बोतल विथ स्ट्रॉ एंड फिल द कलर. नेक्स्ट योर एक्टिविटी, रोल नंबर 1 टू 17, मेक अ फैमिली फोटो फ्रेम. आपको फैमिली फोटो फ्रेम बनाना है पेज नंबर 4 पर जो आपके ड्राइंग पर दिया गया है. नेक्स्ट, रोल नंबर 18 to 37, मेक अ हार्ट पेज नंबर 39. आपको एक हार्ट बनानी है, यह आपकी हार्ट पेज नंबर ड्राइंग में 39 पर है, यह आपको बनाकर लानी है. रोल नंबर 18 to 37. नेक्स्ट सब्जेक्ट योर स्पोकन. स्पोकन में फर्स्ट, राइट एंड लर्न द सीजन नेम पेज नंबर 10. सेकेंड, राइट एंड लर्न द डायरेक्शन नेम पेज नंबर 10. थर्ड, राइट एंड लर्न द 10 ड्रेसेस नेम पेज नंबर 1. फोर्थ, रीड द चैप्टर 1 पेज नंबर 19. फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, होम डू यू लीव विथ. सेकेंड, वेयर डज योर फैमिली लीव. थर्ड, Is your family small or big? 4. How many members are there in your family? 5. Who are in your family? 6. Who earns for your family? 7. Who looks after the household? 8. Do you watch TV with your family? Next subject, your Netik Shiksha aur Samanya Gyan. Pehla, part 1 se 3 tak padho aur sulekh karo 5 page. दूसरा, पार्ट 1 की कविता लिखो और याद करो. तीसरा, मिलान लिखो और याद करो. चौथा, पार्ट 1 के खाली स्थान लिखो और याद करो. पांचवा, अच्छी बातों के सामने आपको सही और बुरी बातों के सामने गलत लगाओ. पहला, प्रातः देर से उठना सही या गलत. दूसरा, स्नान करके स्कूल जाना सही या गलत. तीसरा, छोटे भाई बहनों को मारना पीटना सही या गलत. चौथा, कक्षा में सहपाठियों से झगड़ा करना सही या गलत. पांचवा, स्कूल से वापस आकर घर में पढ़ना सही या गलत. छठा, घर के कार्यों में बड़ों की मदद करना सही या गलत. सातवा, घर और बाहर प्रेम पूर्वक
या गलत। आठवां, बड़ों से हमेशा विनम्रता से बातचीत करना। सही। नौ, पहला, बच्चों की गर्मी की छुट्टी 24 मई 2024 से 24 जून 2024 तक रहेगी और 25 जून 2024 को स्कूल समय अनुसार खुलेगा। दूसरा,